श्रीलंका से हमारी दोस्ती 2500 साल से है, चाहते तो 2500 साल में वो पार्ट ऑफ इंडिया होता, वो नहीं है क्योंकि हमें उनकी जमीन पे नजर नहीं है। और आज चाइना तो उन्हें एक नया पैसा नहीं दे रहा, नया क्रेडिट कौन दे रहा, हम दे रहा, दवाई कौन दे रहा, हम दे रहे, पेट्रोल कौन भेज रहा, ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड एड, हर तरह की असिस्टेंस कौन दे रहा, अभी उनकी सिक्योरिटी कौन गारंटी कर रहा, हम करें ना, अपना मिलिट्री का जहाज नहीं भेज रहे ना। श्रीलंका तक ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया था। मैंने ये भी कहा था नेपाल इसलिए बचा है कि वहां इंडियन रुपी चलती है, कुआं तो है नहीं, आपके पेड़ों पर तो संतरों की जगह डॉलर उगते नहीं, या कोई ऐसा पेड़ हो तो हमें भी दे दो, आप और हम दोनों उगा लेंगे। लेकिन सुमित भाई दे क्या रहे हैं आप फिर श्रीलंका को? उसे कह रहे हैं कि जी ठीक है चाइनीज मिलिट्री शिप नहीं आएगी, उसमें स्पाई मिशन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, सैटेलाइट देख रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, दे क्या रहे हैं उसको? डिफॉल्ट करा दिया एक तरफ, दुनिया तो यही कह रही है कि चाइना और इंडिया के जो कॉम्पिटिशन ने बेसिकली श्रीलंका को डिफॉल्ट करा दिया। आपको याद हो 5-6 महीने पहले मैंने कहा था आपको, मैंने कहा विदिन 2 क्वार्टर्स, यू कैन पुल दैट वीडियो एंड पुल इट आउट, मैंने कहा विदिन 2 क्वार्टर्स पीपल हैव, एशिया में 1 क्वार्टर, वर्ल्ड ओवर 2-3 क्वार्टर्स पीपल हैव टू डिसाइड दैट 3 पावर सेंटर्स, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको किसके साथ अलाइन करना है। अलाइनिंग मीन्स अलाइनिंग योर सप्लाई चेन्स, अलाइनिंग मीन्स योर रिसोर्सेज, अलाइनिंग योर इकोनॉमी विद देम। मैंने ये भी कहा था नेपाल इसलिए बचा है कि वहां इंडियन रुपी चलती है, ये भी आपको याद होगा, इंडियन रुपी भी करेंसी, अगर नेपालीस रुपया डूबता भी है तो स्टिल दे कैन फ्लोट विद इंडियन रुपी। मैंने कहा श्रीलंका को भी ये करना चाहिए, करेक्ट। अभी देखिए ये आज की कवायद नहीं है, श्रीलंका से हमारी दोस्ती 2500 साल से है, चाहते तो 2500 साल में वो पार्ट ऑफ इंडिया होता, वो नहीं है क्योंकि हमें उनकी जमीन पे नजर नहीं है, वो हमारे भाई है, उनको जहां हो इतना बढ़ गया है। अब वहां जो ये राजपक्षे सरकार था, मैंने आपको ये भी बोला चीमा साहब कि श्रीलंका को डुबाने का काम ये राजपक्षे भाइयों ने किया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो चाइना से इन्होंने अंधाधुंध पैसा लिया, और वो अब USAID भी वही कहता है। और वहां मजे की बात यह चीमा साहब कि वहां के जनसाधारण को, नागरिकों को यह पता लग गया कि चाइना के पैसे के कारण हम डूबे। अब आपने देखो वहां 30-40 तो वो फॉरेन गाड़ियां मिली, जब लोग भूखे मर रहे थे, जब पैलेस के अंदर गए वहां तो मिलियंस ऑफ डॉलर में तो वहां कैश मिलता है, क्या क्या नहीं था उस पैलेस के अंदर, मतलब बादशाह सलामत बढ़िया रह रहे थे, लोग मर रहे थे। मुझे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली स्टोरी याद आ रही थी, जब मैरी मैकडेल पूछ रही वाई आर द पीपल क्राइंग, कहते दे डोंट हैव ब्रेड, आस्क देम टू ईट केक्स, फिर ग्लोटीन हुआ था उसका, वो बात अलग है। तो चलो आजकल के टाइम में तो लोग निकल जाते हैं, वो ऐसी नौबत नहीं आती, जहाज वहाज काम आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी काम आ जाती है। अब चीमा साहब ये तो वहां परिस्थिति थी, ये तो उनका चाइना ने कर दिया काम, अब मुझे बताइए अब हम उनको क्या दे रहे हैं। हमने अगर उनके हुक्मरानों ने चाइना को चुना, और आज चाइना तो उन्हें एक नया पैसा नहीं दे रहा, नया क्रेडिट कौन दे रहा, हम दे रहे, दवाई कौन दे रहा, हम दे रहे, पेट्रोल कौन भेज रहा, ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड एड, हर तरह की असिस्टेंस कौन दे रहा, अभी उनकी सिक्योरिटी कौन गारंटी कर रहा, हम करें ना, अपना मिलिट्री का जहाज नहीं भेज रहे ना, नहीं भेज रहे, हमारे तो बहुत आसान है, चाइना से तो बहुत आसान है, हम तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, हम नहीं भेज रहे ना। हम आज उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जरूरी है फॉर पीपल ऑफ श्रीलंका, फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ श्रीलंका टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज वेयर देयर इंटरेस्ट आर इन द लॉन्ग रन। देव टेल एंड गलती एक बार हो सकती है, कोई बात नहीं, बट लॉन्ग रन आप फिर गलती ना करें ना, दिस सेइंग यू फूल मी वंस शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, सो दैट इज द कॉल द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव टू टेक। मुझे पता आपका ये चैनल वहां भी देखते हैं लोग, तो दैट्स अ कॉल दे हैव टू टेक। चीमा साहब दे हैव टू नाउ अलाइन वेयर इट इज, हमें उनकी नजर जमीन जोरू, लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी पे कोई नजर नहीं है, दे अलाइन विद अस, दे विल इंटीग्रेट अस, यू नो, चेंज विद अस एंड ऑल एंड वी विल ग्रो। आज हमको सबसे ज्यादा मदद हम उनको दे रहे हैं, और उनको डेट उधार नहीं दे रहे हैं चीमा साहब, ये नहीं कि उधार लो अब इसका ब्याज भरो, ब्याज का ब्याज भरो, उसका ब्याज और उसका ब्याज, हम उनको आज मदद कर रहे हैं, और ये वहां के हुक्मरान खुद मान चुके हैं। डिफॉल्ट था राजपक्षे की पॉलिसी, डिफॉल्ट था चाइना की कवायद, डिफॉल्ट था बिकॉज दे वॉन्टेड टू बिलीव द जो सुनहरे बाग उन्हें चाइना ने दिखाए। और ये जो थर्ड पार्टी की बात करा वेंगी, आपने बोला थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो बोला भाई तेरा जहाज तेरे पोर्ट पे जाने से रोक लिए, थर्ड पार्टी की कोई इन्फ्लुएंस नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं, डिप्लोमेसी नहीं आती, ये पता नहीं है ना, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी करते हैं, वही वही मतलब वो जो इनकी पिक्चरों में दिखाते ना, वो निंजा उड़ रहा हवा में तलवार लेके, वैसी डिप्लोमेसी कर रहे, हवाई में उड़ते रहते हैं। 12 साल पुराना डॉक्यूमेंट तुम अपलोड करते हो, कहते ये ड्यून ने हमारे बारे में कहा, तुम्हारा जहाज श्रीलंका के तुम्हारे कंट्रोल पोर्ट पे जाने से रोका, थर्ड पार्टी की रेलेवेंस नहीं है। और तीसरी बात चीमा साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ताइवान में तुम्हारा आई वाट लग गई, तुम्हारा यू लॉस्ट ऑल द फेस एंड ऑरा इन जियोपॉलिटिक्स, श्रीलंका तक ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया ताइवान पे, श्रीलंका तक ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया ताइवान पे, ये बात देखिए। 50 कंट्रियों को जिनको उधार देके फंसा है, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया आपको ताइवान पे, किसी ने नहीं किया, 2 कंट्रियों को छोड़ के 200 से ज्यादा कंट्रिया दुनिया में 1% ऑफ द कंट्री सपोर्टेड, पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। रशिया ने इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज वो एंटी अमेरिका आप हो, तो इसलिए उसमें उन्होंने सपोर्ट किया आपको।
माइनस दैट हु सपोर्टेड यू ऑन ताइवान? नोबडी, लिटरली नोबडी सपोर्टेड यू ऑन ताइवान। और आप अपने आप को सुपर पावर बोलते हैं। देखिए, ग्लोबल टाइम्स में वीडियो लगाने और फोटो लगाने से अगर कोई सुपर पावर बनता तो हमारे यहाँ तो फिर कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर तो चीमा साहब 100-200 पोर्टल खोल दो, जिसके जितना ज्यादा पोर्टल वो उतना बड़ा सुपर पावर। ऐसा नहीं होता ना। और अगर थर्ड पार्टी की रेलेवेंस नहीं है आप जो कह रहे हो, तो आपको तकलीफ कहा है कि बैठिए ना, ठंड पाइए, आराम से रहिए, चाउमिन खाइए, बोलने की क्या जरूरत है? मैं बोलूं चीमा साहब कोई नहीं है तो माम तो बोल दिए ना, कमर चीमा, बाद में आया कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो मैं बोलूं क्यों? मैं हर एक का नाम लेके बोलूंगा क्या 7 बिलियन लोग का? ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। तो इफ थर्ड पार्टी इज नोबडी देन यू शुड नॉट बी बॉदर्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर बॉदर्ड एंड यू आर मेकिंग ऑफिशियल स्टेट अरेंजमेंट अराउंड इट, दैट मींस थर्ड पार्टी रियली मैटर्स इन पॉलिटिक्स। सर इनको डिप्लोमेसी नहीं आती, इनको डिप्लोमेसी सिखानी पड़ेगी। वही है वो हवा में तलवार लेके उड़ना और ये सब। अब देखिए, इनके प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को धमकियां देते और वो जो कॉन्फिडेंशियल होता ना, वो जो बातचीत होती उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। दुनिया में कौन सी कंट्री, मैं पाकिस्तान का नाम ले गया तो पाकिस्तान ने भी आज तक कभी ऐसा कुछ रिलीज नहीं किया। जो भी बात हुई ऊपर हुआ नीचे हुआ, एक एक, एक समरी आपने उसका, आपने वो क्या कि मैंने उसको ये बोल दिया, उसने मुझे ये, आपने कभी रिलीज किया किसी और कंट्री ने दुनिया में रिलीज किया? ये एक वायर कंट्री ऐसी है जिसने वो तक रिलीज किया। डोंट प्ले विद द फायर एल्स यू विल पेरिश विद इट। नाउ व्हाट हैव यू डन विद द फायर? वो भी बुझ गया, आग भी बुझ गई। मतलब देखिए, ये स्टंटबाजी से जियो पॉलिटिक्स नहीं चलती जी वासा। यहाँ हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक को अपना काम करे, जियो और जीने दो। आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, वो अपने घर खुश, अपने लोगों की तरक्की और बहबूदी का काम करो, इम्पोर्टेंट वो है। अपने लोगों का जीवन बेहतर बनाओ, इम्पोर्टेंट वो है। इन सब चीजों में मत लो। आपने देखा, और आपको एक और चीज बता दूं अच्छी बसा, अब मुझे बताइए आप, पाकिस्तान को ये $1.5 बिलियन नहीं दे रहे, उस पर चीजें गिरवी रखवाते, ये गिरवी रख दो, वो अब ये लोन दे दो, ये लोन दे दो, किस कीमत पे लोन देते किसी को नहीं पता। चीमा साहब, सीरिया में इन्होंने, सीरिया में जिसकी आबादी 1.8 करोड़ है, वहां इन्होंने $150 बिलियन इन्वेस्ट किया, $150 बिलियन जिसका कोई रिटर्न नहीं है। कैन बशार असाद पे दम $150 बिलियन? ही कैन नेवर पे दम। कैन सीरियन इकोनॉमी पे दम? दे कैन नेवर पे दम। अब क्यों कर रहे हैं वहां पे? इन्होंने यहाँ सीरिया को पकड़ा, वहां इनकी ईरान से दोस्ती है तेल को लेके। अब इन्होंने भी सीरिया को कोई इक्विपमेंट दिया जिससे वो जॉर्डन और सऊदी अरबियों के जो बेसिस वगैरह उस पर वो दे कैन काइंड ऑफ स्पाई फॉर देम। ठीक है, अब होगा क्या? जो शिया सुन्नी वाला मसला थोड़ा सेटल हो रहा था मिडल ईस्ट में, अब इन्होंने क्या, एक कैंप को पकड़ लिया वहां से बैठ के, और इसराइल टारगेट पे, इसराइल, सऊदी अरबिया और ये जो यमन वमन में जो ये रेबल्स है उनको फिर प्रोत्साहन मिल रहा है। तो एक आपको जानते हैं ईरान की इकोनॉमी में 53% इन्फ्लेशन अभी नंबर आया, 48 या 53% का आया। तो ये देखिए वहां भी जा रहे हैं, $150 बिलियन लगाने का मतलब क्या है ये सीरिया में? वहां से चवन्नी वापस नहीं आनी। आपको भी पता, मुझे भी पता, दुनिया का बच्चा बच्चा ये बता देगा। यहां जिसको आप ऑल वेदर फ्रेंड कहते हो, आयरन क्लैड ब्रदर कहते हो, जो आपके साथ हमेशा खड़ा, उसे 1.5 बिलियन देने को आपके पास है नहीं, वहां 150 बिलियन डुबाने को आपके पास है। क्यों? आपका इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, वहां आपको पंगे काटने, ये जहाज हमन टोटा भेजना, वहां सीरिया को पैसे देना, मतलब ये है क्या? मतलब और फिर आपके बैंकों में पैसा नहीं मिलता, आपकी सड़कों पर टैंके आती, PLA कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जब आप पैसे चीमा साहब राइट लेफ्ट और सेंटर डुबाओगे, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। अब कुआं तो है नहीं, आपके पेड़ों पे तो संतरों की जगह डॉलर उगते नहीं, या कोई ऐसा पेड़ हो तो हमें भी दे दो, आप और हम दोनों उगा लेंगे, है ना, तो हमारे पास भी ऐसे डॉलर आएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो इनकी जो पॉलिसी है ना, ये बहुत घूमी फिरी पॉलिसी, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। दोस्तों, मुसीबत में श्रीलंका को आई भगवान श्री राम की याद। भारतीय उच्चायुक्त से मिले वरिष्ठ अधिकारी और उन्होंने बताया कि आखिर श्रीलंका की 52 जगहों पर क्या क्या किया जाएगा। दरअसल श्रीलंका में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सनत जयसूर्या, जो की नव नियुक्त पर्यटन दूत है, उन्होंने कहा है की भारतीय पर्यटकों के लिए रामायण से जुड़े हुए जगहों पर अब यात्रा को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। मतलब टूरिस्ट प्लेसेस जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं उनको और सुधारा जाएगा, जिससे भारतीय वहां पर आकर्षित होकर जाएं। जयसूर्या ने बकायदा इसके लिए ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम भारतीय पर्यटकों के लिए रामायण से जुड़े स्थलों की यात्रा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्रीलंका में रामायण से जुड़े 52 स्थल हैं,
श्रीलंका इस वक्त भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पर्यटन भी ठप हो गया है। अब आर्थिक संकट में भी श्रीलंका चीन से मदद की आस लगाए बैठा था, लेकिन चीन ने उसे मना कर दिया। वहीं पर भारत ने चढ़ बढ़कर श्रीलंका का साथ दिया, और यही वजह है जब चीन अपनी जासूसी वाला जहाज श्रीलंका भेज रहा था, तब भारत ने इस पे एतराज जताया और श्रीलंका ने भी पलटकर चीन को कहा कि ये जो जहाज है वो वापस ले जाए, और जिससे चीन आग बबूला हो गया।